इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में एक्स वाई ग्रुप की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी बात बताऊंगा। सो आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सारी बात बताऊंगा क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या क्या एज लिमिट है और कब से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट कब तक है, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो से सोल्व हो जाए, ठीक है ना। पर देखिएगा पूरा लास्ट तक, ठीक है। पहले ही बीच में छोड़ के फिर आप कमेंट करते हो तो सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा, इसलिए 5-6 मिनट की पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ, ये इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट आई है 2022, ठीक है। सबसे पहले ये आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में बताता हूँ। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो इसमें लिख ली हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 2500 2500 प्लस वैकेंसी लिख ली है, ठीक है भाई। 2500 प्लस वैकेंसी लिख ली है अलग अलग ट्रेड में, बट अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कुक की, ठीक है ना। तो पोस्ट नेम कुक की है ग्रुप सी की। आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। कौन अप्लाई कर सकता है? ओल्ड एज कैंडिडेट्स में कोई भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ठीक है भाई। ये 2022 का नोटिस। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया होगी, क्योंकि भाई आपको पता है एयरफोर्स की जॉब है, तो एयरफोर्स की जॉब ऑल इंडिया सेंट्रल की जॉब होती है, कहीं भी हो सकती है। एयरफोर्स सैलरी किसकी हो कितनी होगी इसकी, 18,000 से लेकर 33,100 रुपये पर मंथ, मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी फर्स्ट महीने की सैलरी होगी 35,000 प्लस होगी, ठीक है भाई 100%। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लो तो जनरल ओबीसी की फ्री है और SC ST की भी फ्री है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फ़ी आपकी बिल्कुल 0 रुपये है, नील। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 25 मांगे जनरल की, ओबीसी को एज रिलैक्सेशन 18 से 28 और SC ST को भी एज रिलैक्सेशन 18 से 30। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते तो एज रिलैक्सेशन कैसे हो गया, तो सुन लो मेरी बात। एज रिलैक्सेशन ऐसे हो गया क्योंकि एज रिलैक्सेशन आपका जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भर्ती होगी उसमें नहीं होगा, बट ट्रेड्समैन की कोई सी भी जॉब ले लो, चाहे नेवी की ले लो या आर्मी की ले लो, एज रिलैक्सेशन 100% होगा, ठीक है भाई। और ये एज जो नापी जाएगी 18 दिसंबर 2021 से नापी जाएगी, तो अपनी एज देख लेना इसके अंडर बैठ रही है, इसके अंडर बैठ रही हो तो ठीक है। अगर कैलकुलेट नहीं करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आपको जब भी टाइम मिले कैलकुलेट करके दे दूंगा। बाकी आपकी इंडियन एयरफोर्स का फोटो हो गया, पायलट्स का फोटो है। सो हाइट की बात कर लेते हैं, मेल और फीमेल। मेल कैंडिडेट की चाहिए 165 और नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट की चाहिए 155, मतलब इसमें स्पेशल कोटा है। रनिंग और लॉन्ग जंप है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेड्समैन की पोस्ट इसमें रनिंग और लॉन्ग जंप नहीं होती। बाकी जब अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो फोटो और सिग्नेचर चाहिए, फोटो का लाइट बैकग्राउंड चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पैन या आधार में से कोई एक चीज़ चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ 10th पास ही है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा और फिर लास्ट में DV होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले भर जरूर लेना। लास्ट डेट इसकी फॉर्म की 16 जनवरी 2022 है, तो लास्ट डेट के भरोसे मत बैठना क्योंकि लास्ट में साइड भी चली जाती है, इसलिए जब भी टाइम मिले पहले से पहले ही भर लेना। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बेझिझक, ठीक है ना। और भाई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, जय हिंद।